जो कि हमारा ग्रुप इत्तेफाक ग्रुप दो साल पहले से इलेक्शन कर रहा था, आज उस मौकफ की तायद कर दी गई है। हमारे सदर हाजी नवाज साहब ही होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इत्तेफाक ग्रुप इलेक्शन जीतेगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन हाल रोड 2024 की गहमा गहमी अरूज पर दिखाई देती है। वो बयानिया जो इत्तेफाक ग्रुप हाल रोड ने आज से चंद साल कबल शुरू किया, वो बयानिया और वो मुतालबा पाया तकमील तक पहुंचता दिखाई देता है। सभी ग्रुप 2024 में इलेक्शन करवाने पर मुत्तफिका तौर पर राज़ी हो चुके हैं। इत्तेफाक ग्रुप ने ऐलान होते ही तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू कर दी हैं। आज इत्तेफाक ग्रुप हार रोड का वफ्द सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद हनीफ जनरल सेक्रेटरी, मलिक आरिफ अवान सीनियर नायब सदर इत्तेफाक ग्रुप जोन नंबर 3 शेख उमर हनीफ, सीनियर नायब सदर शेख मोहम्मद जाफर की क्यादत में मदीना सेंटर पहुंचा है, जहां सैकड़ों ताजरान ने इत्तेफाक ग्रुप हाल रोड में शमूलियत का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर सामने आई है हाल रोड की सियासत से। जनरल सेक्रेटरी इत्तेफाक ग्रुप हाल रोड मलिक आरिफ अवान मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, ये बताइए कि आज पूरी टीम यहां पर मौजूद है और वो बयानिया जो आज से 2-3 साल कबल इत्तेफाक ग्रुप ने शुरू किया, अव्वल तो वो पाया तकमील तक पहुँचता दिखाई देता है। हमारे कैमरे की आंख देखती रही है कि इत्तेफाक ग्रुप ने बड़ी स्ट्रगल की है इस सिलसिले में। आज सैकड़ों लोग मदीना मार्केट के शामिल हो चुके हैं, आपके इस कारबा में क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपके न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। यहाँ पे हमें ये बात सबसे पहले कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ही मौक़िफ़ की तायद की गई है, जो कि हमारा ग्रुप इत्तेफाक ग्रुप दो साल पहले से इलेक्शन कर रहा था, आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी गई है। उन ग्रुपों का भी शुक्रिया चलो ने जिन्होंने भाग दौड़ करके इलेक्शन में हिस्सा लेने का जुर्रत की है, तो हम चाहते हैं कि ये जुर्रत इसी तरह उनकी भी कायम रहे, हमारी भी कायम रहे और मार्केट में जो इलेक्शन का माहौल बने और बेहतरीन बनना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे का एहतराम जो है बहुत लाजम है हमारे लिए, और इलेक्शन के माहौल को इलेक्शन की हद तक रखा जाए, ना कि हम एक दूसरे उलझें, एक दूसरे से मुहालफिन में जाके हम ग्रुपों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलें। खिलाफ होते हैं इलेक्शन में, मुखालिफिन होते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन का नाम मुखालिफिन ही होता है, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ एक दूसरे के साथ उलझें। आज मैं खुसूसन मदीना मार्केट, मदीना सेंटर, यहाँ से हमारे 40 साल पहले यहाँ से तलाकात हैं इस मार्केट में, सब दुकानदार हजरात यहाँ से ही हमारे जो आज बहुत सारी मार्केटों में फैल चुके हैं उनका शुक्रिया अदा करने, खसम शाह साहब हैं, आज शेख आसफ़ साहब हैं, अबू बकर साहब हैं, रजाक सरदार साहब हैं और सनी साहब हैं और सलीम साहब हैं और उमर भट्ट साहब, खुसूसन तौर पर एजाज भट्ट साहब के बेटे, उनका भी बहुत शुक्रिया और उनकी तमाम फैमिली का भी शुक्रिया कि हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के आपस में जैसे पहले हमारा भाईचारा है वैसे ही भाईचारा हमारा कायम रहे। छोटी छोटी बातों से उलझ के आप चाहे जिस ग्रुप में मर्जी रहें, हमें इस बात का इतराज़ नहीं है, वोट जिसको मर्जी दें, मगर भाईचारे में कमी ना करें, दोस्ती में, तल्लक में हमें एक दूसरे से जो कहते हैं ना पंजाबी के मरना जीना जो है ना वो रखना चाहिए कम से कम, तो वो कायम रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की खुशी गमी में जाना है, मिलना है और अपने दोस्तों से भी हम यही कहना चाहते हैं, अपने ग्रुप से मैं खुसूस यही कहना चाहता हूँ कि माहौल को ख़राब करने वाले लोगों से दूर रहें। और आपका शुक्रिया दोबारा एक दफ़ा फिर कि आप तशरीफ़ लाए, आपकी मेहरबानी, इसी तरह आप तशरीफ़ लाते रहिए और हमारी आवाज़ जो है ना आगे पूरी मार्केट तक फैलती रहेगी। मलिक आरिफ अवान साहब की गुफ्तगु आपने मुलाहिज़ा फरमाई, उनका किरदार है सारी स्ट्रगल में। उमर भाई, आज चूँकि नौजवानों पर मुश्तमिल टीम एक हाजी नवाज़ पप्पू मलिक साहब तैयार करवा रहे हैं, आज नौजवानों की बड़ी तादाद इत्तेफाक ग्रुप में शामिल हुई है, दरहकीकत क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी आज मुझे ये देख के ना मंजर माशाल्लाह इत्तेफाक ग्रुप बहुत जीत नज़र आ रही है इंशाल्लाह। आज मुझे ये भाइयों का साथ, मार्केट वालों की पूरी मार्केट, ये जितना अंदर जोन 3 है ये सारी शमूलियत आज काफ़ी मेम्बरान ने आपके सामने की है, तो मैं इन सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली उमर भाई साहब ये टाइम निकाल के आए हमारे लिए, इनका तहे दिल से शुक्रिया। और इंशाल्लाह इत्तेफाक ग्रुप मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह हमारे सदर हाजी नवाज साहब भी होंगे इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ
आज मदीना मार्केट वालों ने हमारा इस्तकबाल किया। वैसे भी ये मदीना मार्केट हमारी थी और ये हमारी रहेगी। और मुखालफ पार्टी सुन ले, इंशाल्लाह इत्तेफाक ग्रुप इलेक्शन जीतेगा और इंशाल्लाह वो जीतेगा। इत्तेफाक ग्रुप जिंदाबाद। मदीना मार्केट के सैकड़ों ताजरान ने इत्तेफाक ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया और इस अज़म का इजहार किया है कि इलेक्शन 2024 में इत्तेफाक ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। जी राबिया वेलफेयर हस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहाँ डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर हस्पताल, मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें